आईपीएल 2023 के प्लेऑफ के लिए हर टीम जद्दोजहद में लगी हुई है। इसी कड़ी में एमएस धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग्स दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेलने उतरी। ये मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है। धोनी ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला लिया। धोनी के ओपनर्स ऋतुराज गायकवाड़ और डेविन कॉनवॉय ने टीम को शानदार शुरुआत दिलाई। हालांकि टीम को 220 के पार पहुंचाने का काम धोनी के साथी रविंद्र जडेजा ने किया। जिस काम के लिए धोनी जाने जाते हैं, दिल्ली के खिलाफ वो काम जड्डू ने कर दिखाया। 19वें ओवर की दूसरी बॉल तक ओपनर कॉनवॉय क्रीज पर जमे हुए थे। दो बॉल पहले ही शिवम दुबे आउट हुए थे। 22 रन की पारी में दुबे ने 3 छक्के कूट दिए थे। वहीं कॉनवॉय ने 87 रन की पारी खेल अपनी टीम को 200 के करीब पहुंचा दिया था। यानी आखिरी के 10 बॉल के लिए दो नए बल्लेबाज क्रीज पर आए थे, धोनी और जडेजा। आमतौर पर धोनी को इस फेज में लंबे छक्के और ताबड़तोड़ बैटिंग के लिए जाना जाता है। हालांकि इस मैच में इसके विपरीत देखने को मिला। धोनी से ज्यादा जड्डू कुटाई करते नजर आए। धोनी का बल्ला अटकता हुआ दिखा। धोनी 4 बॉल पर सिर्फ 5 रन बना सके। उनकी पारी में एक भी बाउंड्री देखने को नहीं मिली। अब जडेजा की पारी के बारे में जान लीजिए। मात्र 7 बॉल में इस ऑलराउंडर ने 20 रन कूद दिए। उनकी पारी में 3 चौके और 1 छक्का शामिल था। इस दौरान जड्डू का स्ट्राइक रेट 285 का रहा। उनकी पारी की मदद से चेन्नई ने बोर्ड पर 223 रन टांग दिए। हालांकि इसमें चेन्नई के ओपनर्स का भी पूरा योगदान रहा। ऋतुराज गायकवाड़ ने सदी हुई शुरुआत की, वहीं डेविन कॉनवॉय ताबड़तोड़ शॉट्स खेलते रहे। चेन्नई ने पावर प्ले में 52 रन बनाए। उसके बाद ऋतुराज ने अपना बल्ला घुमाना शुरू किया। 26 साल के इस लड़के ने अक्षर पटेल को छक्के लगाए और कॉनवॉय से पहले अपना 50वां पूरा किया। 50 बॉल खेलने के बाद ऋतुराज 79 रन बनाकर आउट हुए। उनकी पारी में 3 चौके और 7 छक्के थे। वहीं कॉनवॉय ने ढेर सारे चौके मारे। 52 बॉल पर 87 रन की पारी खेलते हुए इस कीवी बल्लेबाज ने 11 चौके मार दिए। पारी में 3 छक्के भी शामिल थे। ऋतुराज के आउट होने के बाद शिवम दुबे क्रीज पर आए। उन्होंने छक्के लगाना शुरू कर दिया। 9 बॉल में 3 छक्के जोड़ने के बाद शिवम आउट हो गए। इसके बाद धोनी और जड्डू ने क्या किया, हमने आपको बता ही दिया है। दिल्ली के लिए चेतन सकारिया सबसे किफायती बॉलर साबित हुए। उन्होंने 9 रन की इकोनॉमी से रन्स गवाए। उनके अलावा हर एक बॉलर की इकोनॉमी 10 से ज्यादा की रही। चेन्नई के प्लेऑफ चांस की बात करें तो ये मैच जीतकर चेन्नई अपनी जगह सुनिश्चित कर लेगी। वहीं अगर दिल्ली इस टारगेट को चेस कर लेती है तो भी चेन्नई के लिए दरवाजे खुले रहेंगे। हालांकि तब धोनी की टीम बाकी रिजल्ट्स पर निर्भर रहेगी। इसी के साथ इस खबर में इतना ही। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी पुनीत ने। मैंने हारिका यादव, देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।